वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार दिव्यांगों के लिए दिव्यांग व्हीलचेयर रेस आयोजित किया गया। यह आयोजन 13 जनवरी यानी आज के दिन संपन्न किया गया। विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन से रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आयुर्वेदिक रस शास्त्र विभाग में, वहां तक के रेस की दूरी रखी गई और इस आयोजन में 40 दिव्यांगों ने भाग लिया था। बातचीत के दौरान पता चला कि यह व्हीलचेयर रेस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए रखा गया था। इसमें किसी प्रकार की हार जीत की कोई बात नहीं है, आयोजन में भाग लेना जरूरी है। संपन्न हुई और इस प्रतियोगिता में जो फर्स्ट आएगा प्रतिभागी उसको 5,000 रुपए का कैश इनाम, जो सेकंड आएगा द्वितीय प्राइज जो है वो 3,000 का कैश इनाम है और तृतीय को जो है 2,000 का कैश इनाम है। उसके अलावा जितने भी प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है उन सबको जो है एक प्रोत्साहन राशि कैश पुरस्कार के रूप में जो है प्रदान की जाएगी। इस आयोजन के द्वारा पूरे काशी में यह संदेश जाना चाहिए कि दिव्यांग कमजोर नहीं है, वह उतना ही काबिल है जितना एक सक्षम व्यक्ति। इस रेस के प्रथम विजेता को 5,000 की राशि, द्वितीय विजेता को 3,000 और तृतीय को 2,000 की राशि इनाम के तौर पर दिया जाएगा। उसके अलावा जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया था उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा। आज दिव्यांगों के लिए वाराणसी में पहली बार दिव्यांग व्हीलचेयर रेस का आयोजन होने जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन से लेकर रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो आयुर्वेद रस शास्त्र विभाग में है, वहां तक होगा। और पहली बार हम देख सकते हैं कि 40 दिव्यांग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमने सभी को बताया है कि जीतना या हारना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि दिव्यांग कमज़ोर होते हैं, पर हम लोग इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और पूरी काशी से आज ये संदेश जाना चाहिए कि दिव्यांग हर वो काम कर सकते हैं जो कोई एक सक्षम व्यक्ति कर सकता है। ज़रूरत है तो अपने आप को मेंटली स्टेबल करने की और अपने आत्मविश्वास और मनोबल के साथ आगे बढ़ने की। तो सारे दिव्यांग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा संदेश देंगे। अभी तक क्या होता है कि कुछ ही नाम ऐसे हैं जो कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम रोशन करते हैं, पर हो सकता है कि कल को काशी से भी ऐसे कुछ नाम आगे जाएं। तो कोशिश है कि ऐसे दिव्यांगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां से कि वो अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हुए आगे बढ़ सके। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।